दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2018 के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में निकली है नर्सिंग ऑफिसर के 2000 पदों पर बंपर भर्तियां। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल recruitmentbox.com पर, जहां मिलेगी आपको देश भर में जारी होने वाली सभी नौकरियों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स ग्रेड टू ग्रुप बी पोस्ट की 2000 वैकेंसीज पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसी के चलते ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किए हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर एम्स द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो आइए जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, भर्ती से जुड़े जरूरी नियम व शर्तें और कैसे कर सकते हैं इसमें अप्लाई। तो यह सब जानने के लिए आपको recruitmentbox.com के साथ बने रहना होगा। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल लेवल 7 के अनुसार पे मैट्रिक्स पे बैंड 2 में 9300 से लेकर 34800 और ग्रेड पे 4600 रुपये निर्धारित किया गया है। इस दिए गए टेबल में आप वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। विभिन्न एम्स में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज निकली हैं इसकी जानकारी आपको इस टेबल से मिल जाएंगी। अगर हम एम्स भोपाल की बात करें तो इसमें कुल 600 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज उपलब्ध हैं, जिसमें से 303 अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, वहीं 162 ओबीसी के लिए, 90 एससी और 45 पोस्ट एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी तरह एम्स जोधपुर में जनरल के लिए 303, ओबीसी के लिए 162, एससी के लिए 90 और एसटी के लिए 45, तो कुल मिलाकर 600 वैकेंसीज निकली हैं। वहीं एम्स पटना में सभी कैटेगरीज को मिलाकर कुल 500 वैकेंसीज और एम्स रायपुर में 300 वैकेंसीज उपलब्ध हैं। चारों एम्स की बात करें तो कुल मिलाकर नर्सिंग ऑफिसर के 2000 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। इसके बाद दी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए यह आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 2 सेट दिए गए हैं, जिसमें से किसी भी एक पर आप विचार कर सकते हैं। पहले सेट के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपके पास नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स या बीएससी या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप नर्सिस एंड मिडवाइफ के तौर पर स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। वहीं दूसरे सेट के अनुसार आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इन दोनों के अलावा आपके पास कम से कम 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होगी। यदि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपये जमा करने हैं। वहीं पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, उनके लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है और ये एप्लीकेशन फ़ी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की एज लिमिट 21 से 30 वर्ष तक की निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की एज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2018 के अनुसार आंकी जाएगी। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को उचित एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी दोनों श्रेणी में आते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी और एससी या एसटी की श्रेणी में आते हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए एज रिलैक्सेशन आप इस टेबल में वीडियो पॉज करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को आगे स्क्रॉल करने पर आपको ऑनलाइन सीबीटी मोड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यहाँ इस टेबल में एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 7 दिसंबर 2018 को आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन देश के विभिन्न बड़े शहरों में किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2018 को पूरी एग्जामिनेशन स्कीम अपलोड कर दी जाएगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 18 दिसंबर 2018 को घोषित किया जाएगा।
और परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.org पर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर गौर करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड द्वारा ही करना होगा। इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.org पर मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ होम पेज पर आपको इस रिक्रूटमेंट टैब को क्लिक करना है। टैब को क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां इस संस्था के अंतर्गत चल रहे विभिन्न रिक्रूटमेंट की सूची आपको मिल जाएगी। इस लिस्ट में से आपको नर्सिंग ऑफिसर ऑप्शन चूज करना है और फिर ये नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 2018 फॉर एम्स भोपाल, जोधपुर, पटना एंड रायपुर लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यदि आप यहां पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आपको इस लिंक के माध्यम से पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2018 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी इसकी आवेदन प्रक्रिया। अब वापस चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ध्यान रहे दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर 2018 से 29 अक्टूबर 2018 शाम 5 बजे तक ही किए जा सकते हैं। 29 अक्टूबर 2018 को शाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में दिए गए अन्य इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इमेजेस व अन्य इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए आप इस नोटिफिकेशन के डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और आगे आने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। recruitmentbox.com के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।